हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ चिल्ली सोयाबीन, चिल्ली पनीर, चिल्ली चिकन तो आप सबने खाया है, तो आज मैं आपके लिए चिल्ली सोयाबीन लेके आ रही हूँ। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना और घर पे बनाना, आप चिकन भूल जाओगे। और जो नॉन वेज नहीं खाते उनके लिए तो यम्मी डिश है ये। सो प्लीज़ आप मेरी रेसिपी को पूरे ध्यान से देखें और बनाइए। सबसे पहले हम सोयाबीन को भिगो लेंगे। ये देखिए हमारे सोयाबीन अब ऐसे हो चुके हैं, इनको अब पानी निकाल देंगे इनका अच्छे से। बाउल में डाल लेंगे एक अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी रेड चिल्ली, थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा मैदा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे, फिर इसको हम फ्राई करेंगे। सोया चिली बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज। प्याज को हम ऐसे कट कर लेंगे पहले। ऐसे प्याज के पीसेस को ऐसे निकाल लेंगे एक एक करके। फिर हम ऐसे ही शिमला मिर्च को काट लेंगे। ऐसे पीसेस कट कर लेंगे हम शिमला मिर्च के भी। ये स्प्रिंग ऑनियन, इसको भी हम ऐसे कट कर लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। सबसे पहले हम रखेंगे पैन, पैन में तेल लेंगे पहले। अब हम सोयाबीन को फ्राई कर लेंगे। सोयाबीन फ्राई हो गया, अब इनको निकाल लेंगे हम। अब हमने इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकाल दिया है, थोड़ा सा रखा है। इसमें हम तड़का भून लेंगे। सबसे पहले डालेंगे चॉप प्याज। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जिंजर गार्लिक। हमारा प्याज और जिंजर गार्लिक भून चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे मसाले। उससे पहले हमें गैस को लो फ्लेम पे कर लेना है। सबसे पहले डालेंगे चॉप ग्रीन चिल्ली। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिल्ली पेस्ट 2 चम्मच। सोया सॉस
विनीगर, टोमेटो सॉस, हम इन सबको मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे कटी हुई शिमला मिर्च और प्याज। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे पकाने के लिए। पैन को ढक के रख देंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट हो चुका है, अब हम इसे देख लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से तैयार हो गया है हमारा मसाला सारा। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि सोयाबीन में भी नमक है और सॉस में भी नमक होता है थोड़ा बहुत। और थोड़ी सी चीनी डालेंगे ताकि थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट आए। अब इसमें डाल देंगे सोयाबीन, स्प्रिंग ओनियन, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी चिल्ली सोया बीन बन के तैयार है, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। अब गार्निश करेंगे स्प्रिंग ऑनियन से। वाओ फ्रेंड्स, हमारी यम्मी चिल्ली सोयाबीन बनके तैयार है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत जल्द मिलेंगे, अगली रेसिपी लेके आऊँगी मैं आपके लिए। थैंक यू।